ठीक है। आवाज बंद कर रहे। ओके, नॉर्मली होता क्या है कि हम जो प्रोग्राम, वो प्रोग्राम जो वेरिएबल बेस होता है या एरे बेस होता है, उसमें डेटा जो है ना वो टेम्पररी स्टोर होता है। ठीक है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक बार के एरे जो होते हैं ना, एरेस एंड वेरिएबल, स्टोर डेटा टेम्पो रेरली वाइल रनिंग दी प्रोग्राम। ठीक है, ठीक है। हाँ, डेटा लॉस्ट वेन प्रोग्राम क्लोज्ड। प्रोग्राम क्लोज्ड, ठीक है। अगर हम डेटा को परमानेंट स्टोर करना चाहते हैं तो हम फाइलिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है। इफ वी वॉन्ट टू स्टोर डेटा परमानेंटली, देन वी यूज फाइलिंग कॉन्सेप्ट इन प्रोग्राम। ओके, तो ये हो गया फाइलिंग। ठीक है, तो नॉर्मली हम टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं। अगर हम बात करें कि ये टेक्स्ट फाइल है, तो इसके तीन मोड होते हैं। एक होता है राइट, एक होता है रीड, ठीक है, और एक होता है अपेंड। तो फाइल को आप या तो रीड मोड में ओपन कर सकते हैं, फाइल सिर्फ रीड होगी, ठीक है, या राइट मोड में ओपन कर सकते हैं, और या अपेंड मोड। राइट में क्या होता है, मेमोरी लिख देता हूँ। ये तीन मोड है टेक्स्ट, ठीक है, जिसके जिसको यूज करते हैं फाइल को ओपन क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, रीड का मतलब क्या होता है, ओपन दी फाइल फॉर रीडिंग ओनली। फाइल सिर्फ रीडिंग की ओपन होती है, जैसे हम कोई फाइल ओपन करते हैं वर्ड की, एक्सेल की, एक तो ही होगी। दूसरा होगा राइट, ठीक है, राइट में क्या होता है, क्रिएट फाइल क्रिएट अ न्यू फाइल क्रिएट अ न्यू फाइल इफ एग्जिस्टिंग ओपन विद राइट मोड। Then erase previous data. Then erase ठीक है। थर्ड होता है अपेंड मोड। अपेंड का मतलब होता है रिकॉर्ड्स आर एडेड एट द लास्ट। रिकॉर्ड्स आर एडेड एट द लास्ट, ठीक है। तो ठीक है। ये तीन मोड होते हैं। तो फर्दर डिटेल जैसे राइट का लिख देते हैं,
जब भी हम राइट मोड में ओपन करेंगे या तो वो न्यू फाइल क्रिएट करेगा, और अगर एग्जिस्टिंग फाइल है राइट मोड में ओपन करोगे तो प्रीवियस डेटा है ना वो इरेज हो जाएगा। और रीड का और अपेंड का तो आपको मैंने बताया था। ठीक है। अच्छा, तो फाइलिंग का बेसिक पर्पज होता है कि टू स्टोर डेटा परमानेंटली। और इसका हम फर्स्ट के लिए केस वन देखते हैं, राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल। राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल, तो आपने देखना है कि टेक्स्ट फाइल किस तरह राइट किया जाए। तो राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल मीन क्रिएटिंग अ टेक्स्ट फाइल। ओके, ठीक है। ठीक है, मतलब ऑल प्रीवियस डेटा इरेज एंड, ठीक है, डेटा रिटर्न ओवर, ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच। ये है तो इसका सिंटैक्स मैं लिख देता हूँ। जैसे सबसे पहले हम, अच्छा, इसमें कीवर्ड होता है ओपन फाइल, ओपन फाइल है, साथ लिखते हैं ओपन फाइल एक कीवर्ड है। फाइल नेम आएगा, फाइल फॉर राइट, यहाँ पे आप फॉर ये कैपिटल में क्योंकि कीवर्ड है। फिर हम लिखते हैं राइट फाइल, ये कमांड है जो फाइल में राइट करने का प्रोसेस परफॉर्म करता है, करती है, ठीक है। राइट फाइल, पहले फाइल ओपन होगी, यहाँ पे फाइल नेम देंगे जैसे abc.txt, और आगे लिखेंगे उसका मोड फॉर राइट, ठीक है। फिर ठीक है। हम डबल कोटेशन के अंदर फाइल नेम देंगे कि यहाँ पे, ये भी सिंटैक्स लिख रहा हूँ, ठीक, फाइल नेम, यहाँ कॉमा लगाएगा, यहाँ पे वेरिएबल आएगा, कोई भी वेरिएबल जैसे जिसके थ्रू हम वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, जैसे फाइल डेटा, ठीक है, या लाइन, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो इस जगह पे स्ट्रिंग और वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल का नाम आए, और जब फाइल ओपन हुई है तो हम उसको क्लोज भी करेंगे, ठीक है। ठीक, और आगे फाइल का नाम आ जाएगा। फाइल और केस टू आपका हो सकता है कि फाइल को रीड करना,
नहीं, फॉर राइट की जगह फॉर रीड आ जाएगा। ठीक है ना, केस टू है हाउ टू रीड। इसमें ये है कि हम रीड फाइल, ठीक है, रीड करें, ये रीड फाइल मैंने कमांड लिखी। डबल कोटेशन के अंदर हम एक फाइल का नाम लिख देते हैं, नेम डॉट टी एक्स टी। ठीक यहाँ पे नेम वेरिएबल आ गया इसमें, जिसकी क्योंकि फाइल को वो ये कमांड जो रीड फाइल है, फाइल को रीड करेगा थ्रू वेरिएबल, और इसको हम प्रिंट करा दें। सॉरी, प्रिंट नेम। तो जो डेटा यहाँ पे इस फाइल को ये रीड करता जाएगा, डेटा यहाँ पे आता जाएगा, और यहाँ पे हम प्रिंट नेम कर, ठीक है, फाइल के अंदर जो डेटा होगा वो ये रीड करता जाएगा। तो लाइन बाय लाइन ठीक। ये रीड करेगा, ठीक है, लाइन बाय लाइन ये रीड करेगा। तो सिंटैक्स तो वही है कि सबसे रीड फाइल से पहले हम फाइल को ओपन भी करेंगे ना, फॉर रीड। तो यहाँ पे इस लाइन पे आप वो लिख सकते हैं, तो रिमूव कर देता हूँ। पहले हमने फाइल को ओपन करना है, ओपन फाइल ये कीवर्ड है, फाइल का नाम, फाइल जैसे हमने यहाँ नेम, txt, फॉर्म, फॉर रीड। ठीक है, और फाइल को हम क्लोज कर दें। और डबल कोटेशन में फाइल का नाम आ जाएगा, नेम डॉट। अगर फाइल में कुछ सर्च करना हो ना, तो हमेशा उसको रीड मोड में ओपन कर, ठीक है। ठीक। अब इश्यू ये है, फाइल में होती है मल्टीपल लाइंस, फाइल में होती है मल्टीपल लाइन, तो हर लाइन को लाइन बाय लाइन रीड करने के लिए हम हर लाइन को डिफरेंट कमांड नहीं दे सकते। तो फाइल को रीड करने के लिए हम लूप इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें फाइल की लेंथ का पता है तो फॉर लूप यूज़ करेंगे, अगर हमें फाइल की लेंथ का नहीं पता फिर हम व्हाइल लूप यूज़ करेंगे। तो अभी ग्रेजुअली देखते हैं। अभी एक प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, फिर उसके हिसाब से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। हियर इज एन एग्जिस्टिंग फाइल, नोन एज
सैंपल डॉट टीएक्सटी, ठीक प्रिंट ऑल ऑफ द कंटेंट, प्रिंट ऑल ऑफ द कंटेंट्स एंड इट कंटेन फिफ्टी लाइन्स, ठीक है। यानी एक एक फाइल है जिसके अंदर 50 लाइन है, उन सबको रीड करना है। अब हमें चूंकि नंबर ऑफ लाइंस पता है, अगर मैं नंबर ऑफ लाइंस पता हूँ फाइल की, तो हम फॉर लूप इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ठीक है। सबसे पहले हम ओपन फाइल करेंगे, ठीक है। और डबल कोटेशन के अंदर फाइल का नाम जैसे सैंपल लिख दिया है, ठीक है, एक्सटेंशन के साथ लिखते हैं डबल इनक्लोज, और यहाँ इसका मोड लिखेंगे फॉर रीड, ठीक फिर हम लूप लिखेंगे क्योंकि हमें मल्टीपल लाइंस को रीड करना है, फॉर, ठीक है। यहाँ हमें वेरिएबल चाहिएगा लूप के लिए, जैसे लाइंस के नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं, या डेटा लाइन इक्वल 1 to 50, ठीक है। हर लूप के लिए वेरिएबल चाहिए होता है जिसके थ्रू वो इंडेक्स को ऑपरेट करेगा। यहाँ पे हम कमांड दे देंगे रीड फाइल, क्या आगे फाइल का नाम आ जाएगा सैंपल डॉट टीएक्सटी, क्लोज फाइल डेटा। तो ये वेरिएबल होगा जिसके थ्रू, इस वेरिएबल के थ्रू हम फाइल को रीड करेंगे, ये कमांड है, ठीक है। ये फाइल का नाम है, तीन तीन चीजें होती हैं, यहाँ पे काम आएगा, यहाँ पे ये काम आए जो सेपरेट कर रहे हैं, ये वेरिएबल है, ठीक है। तो लाइन 1 पे पहुंचेगा, रीड ठीक फाइल है। कमांड है, इस फाइल से रीड करेगा और इस फाइल में रीड करने के बाद इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा, और इसको हम प्रिंट कराते जाएंगे, ठीक है। फाइल डेटा जी, ठीक है। यहाँ पे एंड फॉर कर देंगे, ठीक है, और क्लोज फाइल कर देंगे, ठीक है। फाइल का नाम ठीक है, इसको कॉपी कर दो, ठीक ठीक है।
हाँ भाई लिख दिया। ठीक एक सेकेंड। ठीक है, हो गया। ठीक है क्या? अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें तो हमें पता था कि हमें लाइंस को डिस्प्ले करना है, 50 लाइन को डिस्प्ले करना है, तो हमने फॉर लूप लगा लिया। अगर रिक्वायरमेंट ऐसे आ जाए डिस्प्ले ऑल डेटा फ्रॉम एबीसी डॉट टीएक्सटी, ठीक है, टेक्स्ट फाइल। अब हमें ये नहीं पता कि फाइल के अंदर कितनी लाइन एग्जिस्ट करती है। इन दैट केस हम फाइल लूप यूज करेंगे उसके मार्कर के साथ, नॉट एंड अ फाइल। ठीक है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। डिक्लेयर लाइन के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग। और इसकी जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग। फिर हम ओपन फाइल कर लेंगे। ठीक है, क्या आगे फाइल का नाम ए बी सी डॉट टी एक्स टी डबल क्लोज, और यहाँ लिखेंगे फॉर रीड। फिर लिखेंगे वाइल नॉट एंड अ फाइल, यानी लूप उस वक्त तक चलता रहे जब तक कि फाइल एंड ना हो जाए। नॉट एक मार्कर होता है यानी एंड अ फाइल, और यहाँ बताएंगे फाइल का नाम ठीक है। इन लूप कब तक चलता रहे जब तक कि ये फाइल एंड ना हो जाए, वाइल नॉट एंड अ फाइल। अब इसके अंदर अभी कमांड लगा दें रीड फाइल की, ये कमांड फाइल को रीड करेगा, उसके आगे फाइल का नाम आ जाएगा एबीसी डॉट टीएक्सटी। तो और यहाँ वेरिएबल आ जाएगा जिसके थ्रू हम फाइल को रीड करेंगे, इसको डेटा फाइल भी लिख सकते हैं। और इधर हम प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट लाइन या आउटपुट लाइन लिख सकते हो। यहाँ पे एंड वाइल कर देंगे, ठीक है, और हम क्लोज करें क्लोज ठीक है। फाइल। डबल कोटेशन में फाइल का नाम आ जाएगा ए।
ठीक है, इसको राइट करो। ठीक है, एक सेकंड। ठीक
हाँ हो गया। ठीक है, नगीना का फोन आ रहा है, इतना ना दिया है। अब है अपेंडिंग फाइल। अपेंडिंग फाइल का मतलब होता है एट रैकेट एट दी एंड ऑफ फाइल, यानी लास्ट रिकॉर्ड होता है, उसके बाद डेटा ऐड करना होता है, अपेंड करते हैं। ठीक ठीक है, है। इसका मोड भी वैसी है कि हम सबसे पहले ओपन करेंगे, ओपन फाइल। ठीक है, फाइल का नाम आ जाएगा, फॉर रीड, फॉर अपेंड, यहाँ पे अपेंड आ गया। यहाँ पे लिखेंगे राइट फाइल, अपेंड में राइट होता है। डबल क्वोटेशन में फाइल का नाम आ जाएगा। कॉमा, यहाँ पे वेरिएबल आ जाएगा, क्लोज फाइल। और फाइल डी फाइल, ठीक है, ये डबल हो गया, तो ये अपेंड का ठीक है। है।
अब एंड ऑफ फाइल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सी डिटेल ले देता हूँ, ठीक है। ये एक बूलियन फंक्शन है, ठीक ट्रू एंड फॉल्स पे चल रहा होता है। बाय डिफॉल्ट इट्स वैल्यू इज फॉल्स। और व्हेन द टेक्स्ट फाइल एंड एंड आता है, व्हेन द टेक्स्ट फाइल एंड्स देन इट वैल्यू इट्स वैल्यू बिकम ट्रू, ठीक है। ठीक है। तो आज के लिए काफी है, फिर नेक्स्ट ठीक क्लास है में कंटिन्यू करते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्लास थर्सडे को है 7:15 पे ना, तो कोशिश करना 7:15 पे आ जाए, लॉगिन हो ठीक जाए, है ठीक। तो मेरी 8 बजे की क्लास है। ओके अल्लाह हाफिज़। हाँ।